प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यू इंडिया के लिए टीम इंडिया का मंत्र दिया। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया का विजन सभी राज्यों के सहयोग और साझा प्रयासों से ही हासिल किया जा सकता है। बैठक में पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से सहयोग की अपील की है। पीएम ने कहा कि अब विकास के लिए 15 साल का रोड मैप, 7 साल की रणनीति और 3 साल का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य भी अब नीति निर्धारण की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। पीएम ने कहा कि नीति आयोग के जरिए केंद्रीय योजनाओं, स्वच्छ भारत, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल पेमेंट जैसे अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों की राय ली जाएगी। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक तरह से प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ लेकर विकास की तरफ ले जाने की बात की है। जी बिल्कुल, देखिए विद्या, अगर आप गौर से उनके जो भाषण उनको पढ़े तो क्लियर है कि जो न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट है और 2022 का जो टारगेट है उसके लिए सबको मिलकर काम करना है, तभी जाके ये टारगेट अचीव हो पाएगा। तो आपको सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, तमाम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर्स हो, बाकी जो लोग जो काम कर रहे हैं देश में, तो सबको एक साथ आगे खड़ा होकर न्यू इंडिया टीम इंडिया की तरह काम करेंगे, तब जाकर देश का डेवलपमेंट होगा और देश अपने टारगेट को अचीव करेगा। साथ साथ इसमें देखिए कई सारी बातें कही गई कि जो मुख्यमंत्री हैं, पहले ये होता था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स यहाँ से भेजी जाती थी और वहाँ इंप्लीमेंट होता था और उसमें सरकार का स्टेट गवर्नमेंट का शेयर तय किया जाता था। अब ये चीजें की जा रही है कि जो राज्य हैं वो रिकमेंड करें कि क्या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन कौन सी लाई जा सकती हैं और उसमें शेयर पैसा शेयर करने का क्या फॉर्मूला होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से भेजे। तो कहीं ना कहीं स्टेट्स को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, जो वो कह रहे हैं कि एज ए सीएम, जब वो गुजरात के सीएम रहे हैं तब इस तरह की चीजें आती थी तो उनको अच्छा लग रहा है कि ये चीजें हो रही है। कई कमिटीज के चेयरमैन मुख्यमंत्रियों को बनाया गया, जो सब कमेटी बनाई गई है, यहाँ तक कि कहा गया कि आज शिवराज सिंह चौहान जो है एक प्रेजेंटेशन देंगे एग्रीकल्चर में किसानों के आय को कैसे डबल किया जाए, उसको लेकर तैयारी की जा रही है, तमाम तरह की चीजें हैं जी। तो सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि पैसा भी सबको डबल किया गया है, जो 40% के आसपास बढ़ाया गया है जो फंड दिया जाता था स्टेट को, अब आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन चीजों को खर्च करें पैसा को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें ताकि योजनाबद्ध तरीके से इसका पूरा खर्च हो जो फंड दिया गया है।